कानपुर कांड के बाद सूबे में हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ जगह जगह अभियान शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में यूपी के बुलंदशहर में भी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश के हर जिले के पुलिस अफसरों को यह आदेश दिए गए हैं कि वह अपने जनपद के हिस्ट्री शीटर की एक लिस्ट तैयार करें। सूची में हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ एक्टिव बदमाश भी शामिल किए जाएं। आपको बता दें कि बुलंदशहर में कुल 1996 हिस्ट्री शीटर चिन्हित हैं। पुलिस की माने तो अब हिस्ट्री शीटर्स की इस पुरानी लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस ऐसे भी अपराधियों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने लंबे समय से खुद तो अपराध नहीं किया लेकिन अपने गुर्गों से आपराधिक वारदात को अंजाम देकर गैंग चला रहे हैं। ऐसे बदमाशों की हिस्ट्री शीट भी खोलने की तैयारी बुलंदशहर पुलिस कर रही है। देखिए, निर्देश पहले से ही हैं कि जो दुराचारी वर्ग हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, इन सब की गहनतापूर्वक निगरानी की जाए, इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए और इनके विरुद्ध यथावश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की जाए और वो प्रक्रिया लगातार चल रही है। नए जो अपराधी निकल के आ रहे हैं उनकी नई हिस्ट्री शीट खोलने के भी निर्देश थे, वो कार्य भी हम लोग करा रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 19 नए हिस्ट्री शीटरों को चिन्हित करके उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। लगभग 1996 हिस्ट्री शीटर आज की तारीख में हैं और लगातार हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही हमने ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने का प्रयास किया है जिन्होंने पिछले एक दशक से अपराध तो नहीं किया है, पुराने अपराध हैं, लेकिन इसके बाद अभी मठाधीश होकर के नए लड़कों को पालने का काम कर सकते हैं या उनको असलहे आदि उपलब्ध करा के पीछे साथ में लोगों के साथ लेके चलने का काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी भी हम हिस्ट्री शीट खुलवाएंगे ताकि नियमित रूप से उनकी भी निगरानी हो सके। और ऐसे लोगों की भी कुछ संख्या इस जनपद में है जो पिछले एक दशक से अपराध में तो डायरेक्ट नहीं है लेकिन परोक्ष रूप से जिनके द्वारा नए लड़कों को प्रोत्साहित किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह की माने तो हाल ही में जिले में 19 नए अपराधियों की हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।